अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं हूं एसन क्रेशी एडवोकेट आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर फाइव सीआरपीसी का सेक्शन थ्री फोर्टी टू यानी कि पावर टू एग्ज़ामिन दी एक्यूज्ड इसके ऊपर अपने पहले लेक्चर में जो पहला पार्ट था लेक्चर का उसके अंदर सैर हासिल गुफगु हो चुकी कुछ की पॉइंट्स के हवाले से बात की जा रही थी उनकी पॉइंट्स के हवाले से फ़र्दर बात कर रहे हैं कि 342 के अंदर किन किन चीज़ों का ख़्याल रखना ज़रूरी है अब 342 के अंदर जब कभी भी कोई इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल प्रोसिक्यूशन एविडेंस में सामने आया हो उसको 342 के अंदर उसकी वजात मुलम से तलब करना मैंडेटरी होता है इसी तरह कोई अगर डॉक्मेंट एग्ज़िबिट किया गया है प्रोसिक्यूशन एविडेंस के अंदर तो उस उसकी बाबत भी वजात तलब किए जाना 342 के अंदर मुलम से ज़रूरी है अगर उसकी बाबत मुलम को वजात का मौका ना दिया गया हो या उसके वाले से क्वेश्चन ना पुट किया गया हो मुलम से तो फिर उस एक्ज़िपिट जो डॉक्यूमेंट है वो इनक्रमिनेटिंग मटेरियल बेशक है मगर उसकी बेस पर फिर उसको बाद में सज़ा भी मुलम को नहीं दी जा सकती चूँकि मुलम को उसकी वजात उस पर अपना मौक़ देने का मौका ही ना फरहम किया गया है इस हवाले से जो एक प्रिंसि जजमेंट है जिसके अंदर यह प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया है वो जजमेंट नोट फरमा लें नाइनटीन नाइन्टी नाइन पी पेज है वन फाइव टू सिक्स के अंदर ये प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया है सिमिलरली अगर कोई थ्री वन सिक्सटी फोर वन सिकस्टी फोर का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसका भी तस्करा थ्री फोटी टू के अंदर ना किया गया हो तो फिर उस वन सिकस्टी फ़ौर की जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसकी बेस पर भी फिर बाद में मुलजम को सज़ा नहीं दी जा सकती चूँकि उसको उसके ऊपर वजात का मौका फ़राम ना किया गया है वो उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट तो है मगर थ्री टू की ये रिक्वायरमेंट है ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि कोई भी इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल जो मुलज़म के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना है जिसकी बेस पर उसको सज़ा हो सकती हो उसकी बाबत थ्री टू के अंदर क्वेश्चन पुट करना मैंडेटरी है अगर ना किया गया हो तो फिर उसकी बेस पर को सजा नहीं हो सकती ये बात इंटरप्रेट की गई एक जजमेंट है उस हवाले से कि जिसमें यह कहा गया है कि 164 का भी अगर उसके अंदर तस्करा ना किया गया हो 342 के बयान में उस क्वेश्चन फूट ना किया होगा तो उसकी बेस पर भी उसको सज़ा नहीं हो सकी 2016 एससीएमआर पेज है टू के अंदर अब सिमिलरली एक एक्सपर्ट ओपिनियन है एक्सपर्ट की रिपोर्ट है अब वो इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल है वो मुलज़म के अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकती है प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस में उसको पेश किया है तो वो भी उसकी बाबत भी क्वेश्चन पुट किया जाना मैंडेटरी है मुलज़म से अगर क्वेश्चन पुट ना किया गया हो तो बाद में फिर उस रिपोर्ट की बेस पर मुलज़म को सज़ा नहीं दी जा सकती ये प्रिंसिपल डाउन किया गया था इस, इसकी बाबत 1994 नाइनटी फोर पेज वन सिक्स सिक्स ज़ीरो वन डबल सिक्स जीरो के अंदर ये बात तय की गई थी अब इसके अलावा एक और जजमेंट है जो है 1995 CRLJ पेज 130। उसके अंदर भी एक्सपर्ट ओपिनियन के वाले से जो एक्सपर्ट रिपोर्ट है उसके वाले से ये कहा गया है कि अगर उसके वाले से भी क्वेश्चन थ्री 342 के तहत ना किया गया हो मुलम को वजहत का मौका ना दिया गया हो तो उसके वाले से फिर उसकी बेस पर अजान सज़ा मुलम को नहीं दी जा सकती अब एक बड़ी अहम बात जो मैंने पहले भी पहले लग, इसके पोर्शन में मैंने डिस्कस किया था पार्ट वन में कि 342 के अंदर अगर किसी किस्म की कोई कमज़ोरी है उसके बयान में रह गई ये मुलम की तो वो उसका फ़ायदा प्रोसिक्यूशन नहीं उठा सकती वो ये नहीं कह सकते कि अब हमें अपना मुकदमा साबित करने की ज़रूरत नहीं रही चूँकि वो ऑलरेडी जो था वो सामने आ गया जो मुद्दा था वह सामने आ गया जो बात थी वह सामने आ गई नहीं कानून ये कहता है कुछ जजमेंट है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट खुद साबित करना होता है उसके लिए उन्हें किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए उसको किसी किस्म के उसकी जरूरत सपोर्ट की नहीं हो वो अपनी जो केस है बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट उन्होंने साबित करना है हाँ 342 की स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई कमज़ोरी या कोई है उसके वाले से जो इनफर कोई नतीजा अखज़ करना है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जज की स्वाबदीदी इख्तियार है जज उसको किस अंदाज़ से किस एंगल से देखता है वो मुलज़म के हक में सोचता है या उसके फेवर में सोचता है वो जज का एक स्वाबदीदी इख्तियार है प्रोसिक्यूशन ने बहरहाल अपना केस ख़ुद सबत करना होता है वो उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं कर सकती इस हवाले से जो जजमेंट है 1989 एटी पेज 4827 के अंदर ये बात बड़ी तफसील के साथ और बड़ी प्रिसाइज तरीके से जाम अंदाज़ में आ, उसको बयान किया गया है अब जो 164 का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसके मुकाबले में 342 के बयान की बड़ी अहमियत है होती है उसको बड़ी अहमियत हासिल है यानी कि 164 की जो स्टेटमेंट है कन्फेशनल स्टेटमेंट उसके मुकाबले में 342 की जो स्टेटमेंट होती है उसकी ज़्यादा अहमियत है इस वाले से जो जजमेंट है 2015 हज़ार पेज 423 के अंदर ये बात डाउन की गई है अब एंड पे इसको कंक्लूड करते हुए इन शॉर्ट हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि बयालीस का बयान जब कभी भी होगा उसमें जज अपनी मौजूदगी में करेगा और उसके बाद सर्टिफिकेट जारी करेगा और 342 के अंदर प्रोसिक्यूशन में जो एविडेंस आई है उसके हवाले से हर किस्म का जो इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल प्रोसीक्यूशन ने रखा है उस हवाले से जो है वो क्वेश्चन 342 के अंदर पुट करना मैंडेटरी है अगर किसी इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल के वाले से क्वेश्चन 342 के अंदर पुट ना किया गया हो और मुलम को उस पर वजात की आ, का मौका ना दिया गया हो तो फिर उस इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल की बेस पर मुलम को सज़ा भी नहीं दी जा सकती इन इस चीज़ के हवाले से जजमेंट्स हैं वो आप नोट फरमा लें जिसके में डिटेल से इन प्रिंसिपल्स को लेट डाउन किया गया है टू थाउजेंड थर्टीन वाई एल आर पेज टू सेवन थ्री फोर 2010, SCMR page 1009, 2014, PCRLJ page 1531, 2016, PCRLJ page 407, 2017, एस सी एम आर पेज वन फोर एट इसके अंदर यह प्रिंसिपल ले डाउन किया गया है कि जो भी इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल होगा उसको थ्री टू के बयान में उसकी वजात तलब करना मैंडेटरी है उस पर एक्यूज़ का मौक़ लेना ज़रूरी है अदरवाइज़ उस इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल की बेस पर फिर सजा भी मुलम को ना हो सकती है व्यूर्स ये जो थ्री टू का लेक्चर था यह कम्प्लीट हो चुका मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक इसमें जो चीज़ें मेरे पास थीं मैंने डिलीवर करने की कोशिश की और आपको समझ भी आई होगी अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरा चैनल उसको सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों से शेयर भी कीजिए लाइक भी कीजिए और उसके साथ साथ जो कमेंट्स बॉक्स हैं उसके अंदर अपनी कीमती आर से भी मुझे ज़रूर आगाह किया करें उससे मेरी हौसला अफज़ाई होती है और मुझे अपनी करेक्शन के हवाले से मौका भी फ्राम होता है और ताकि उस और उसी की बेस पर मैं अपनी एक असेसमेंट भी करता हूँ कि किस हद तक किस हद तक जो है वो मेरे लेक्चर्स को राय मिल रही है और किस हद तक जो है वो उसमें कमियां हैं किस हद तक खामियां हैं फिर इन सब चीज़ों का एनालिसिस करके मैं उसको दुरुस्त करने की कोशिश शूँगा मैं आपकी आरा का मंतज़र रहूँगा थैंक यू सो मच